पबजी में दो तरह की जो फाइट है ना बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आपने इन दो फाइट्स को इंप्रूव कर लिया ना, समझो आप पबजी के प्रो प्लेयर हैं। एक होती है क्लोज रेंज, जिसमें आप से ना अगले बंदे के ऊपर क्रॉस हेयर सेट ही नहीं होता, और दूसरी होती है ये मिड रेंज फाइट, जो हम एडीएस फाइट लेते हैं, मतलब स्कोप ओपन करते हैं अगले बंदे के ऊपर, फिर स्प्रे देते हैं, रिकॉइल भी कंट्रोल करना होता है। अब यहाँ पे अक्सर जो होता है कि जब हम स्कोप ओपन करते हैं ना, वो कहीं और ओपन होता है, तब तक अगला बंदा किल कर जाता है। जितनी भी लॉन्ग रेंज है ना, जैसे फायर आया आपने स्कोप ओपन किया, परफेक्ट बंदे के ऊपर ही होना चाहिए। इसको कैसे इंप्रूव करना है, एग्जांपल देता हूं। 300 मीटर है, अब आपने स्कोप ओपन किया, आपका थोड़ा राइट टू लेफ्ट हुआ, अगला बंदा तब तक आपको किल कर जाता है। अब यहाँ पे दो तरह की सेंसिटिविटी काम आती है, एक होती है टीपीपी नो स्कोप एडीएस सेंसिटिविटी, ये वाली, एक ऊपर कैमरा सेंसिटिविटी टीपीपी नो स्कोप एडीएस। ये होती है आप जब स्प्रे देते हुए कैमरा राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं ना स्क्रीन को, इसको बोलते हैं एडीएस सेंसिटिविटी। जब इस तरह स्कोप ओपन करते हैं, क्रॉस हेयर को टारगेट पे सेट करते हैं, इसको बोलते हैं कैमरा सेंसिटिविटी टीपीपी नो स्कोप, ये वाली। अब इन दोनों को ना आपने अपने मोबाइल के हिसाब से सेट कर लेना। अगर आप पहले सेट नहीं है ना, थोड़ी सी कम सेंसिटिविटी यूज करनी है, इस पे आपका हाथ सही बैठेगा, नॉट जैरो प्लेयर। अगर आप जैरो प्लेयर है ना, अब हाई सेंसिटिविटी यूज करने के नुकसान ये होते हैं कि आपका क्रॉस हेयर सही फिट नहीं होता, स्क्रीन ज्यादा शेक करती है। नॉट जैरो प्लेयर हो, एडीएस सेंसिटिविटी यूज करो, या आप जैरो सेंसिटिविटी यूज करो। अब जैरो सेंसिटिविटी यू होता है, ज्यादा सेंसिटिविटी ना बहुत ज्यादा परफेक्ट है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो आपकी स्क्रीन इस तरह शेक करेगी। पहले आप टारगेट पर स्कोप ओपन करोगे, थोड़ा राइट टू लेफ्ट होगा, फिर उस पर सेट होगा। तो इसको कम करना है ना, आपका हाथ सेंसिटिविटी पे सही परफेक्ट बैठता है। अब देखो, वही मैंने सेंसिटिविटी कम की, जिस टारगेट पे स्कोप कर रहा हूँ, वेट करने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट ओपन हो रहा है। अगर आगे बंद है तो फेस टू फेस फाइट में मैं ही जीतूंगा। अब कम सेंसिटिविटी जो भी है ना, वो आपने रख लेनी है, फिर उसको चेंज नहीं करना, यहीं पर आ जाए। कुछ इस तरह आपने परफेक्ट खुद को करना है प्रैक्टिस के लिए। क्लोज रेंज में आपका क्रॉस हेयर भी सेट रहेगा कम सेंसिटिविटी पे, और एडीएस फाइट दोनों आप परफेक्ट कर लेंगे, और सेंसिटिविटी में कम रखने से आपकी स्नाइपिंग भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। ये आप अप्लाई कर लें सेटिंग, और थोड़ी यहाँ के प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद अपना एम लेवल चेक करना।